अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एमटीएम टीवी। हमने अभी एक सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है तो आज उससे मुतल्लिक हमारी ये वीडियो होने वाली है। 330 वाट का हमने सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है। दो प्लेटें में हमने लगाई हैं। 165 वाट की एक प्लेट है हमारी, ये आप पीछे गत्ता देख रहे हैं, ये उन प्लेटों का है और ये मेरे पास दो वारंटी कार्ड हैं। इनकी प्राइस क्या है, कितने का मिला है और कब लिया है, ये भी हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ हमने कौन सी बैटरी अटैच की है। तो आप देख सकते हैं कि हमने फ्यूजिका की बैटरी ली है और उसके साथ हमने एक छत के लिए फैन लिया है, उसका भी ये बिल है हमारे पास। तो ये सारी बातें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सोलर सिस्टम लेते वक्त आपने कौन सी एहतियात करनी है, ये भी मैं आपको बताता चलूं कि आपने किसी भी अच्छी कंपनी का इंतखाब करना है और अच्छी कंपनी का इंतखाब करने के बाद आपने वहां पर मार्केट में जब सोलर प्लेट लेने जाना है उस वक्त जाना है जब धूप अच्छी खासी हो और वहां पर आपने उनको कहना है कि हमें इसके एम्पियर दिखाएं, ये कितने एम्पियर इस वक्त दे रही है। जिस सोलर प्लेट के एम्पियर अच्छे हों आपने उसका इंतखाब करना है। हमने B52 का इंतखाब किया, ये भी एक अच्छी कंपनी है, इसके कार्ड भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये हमने दो प्लेटें ली थी 18 तारीख को दूसरे मंथ की, उस वक्त इसका जो रेट था वो था 16,500। दो प्लेटें ली तो यूं हमारा हो गया 33,000 बिल। ये दो प्लेटों का बिल है 33,000 रुपए। उसके बाद हम अगर बात करें बैटरीज की तो हमें जो बैटरी पसंद आई मार्केट में वो ये फ्यूजिका की थी। आप इसके बारे में हमें बता सकते हैं कि ये कैसी कंपनी है और आपने सही इंतखाब किया या गलत? हमने तो अपनी तरफ से पूरी रिसर्च की और रेट्स वगैरह दीगर मार्केट से देखे, जो हमें अच्छी लगी हमने वो ली और ये हमने खरीदी है तीसरे मंथ की 1 तारीख को ये हमने खरीदी है और इसकी प्राइस 37,000 उस वक्त थी। तकरीबन मैंने सोलर प्लेटों का 2 हफ्ते बाद पता किया था तो इनकी प्राइस 17,000 की एक प्लेट थी, यानी कि ये 34,000 की हो चुकी थी और ये जो बैटरी है ये इस वक्त कम से कम 40,000 के लगभग है। उसके बाद अगर हम फैन की बात करें तो हमने रॉयल फैन का इंतखाब किया, ये एक अच्छा फैन है, आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, जो आप लेना चाहें। और इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो 14 तारीख तीसरे मंथ में इसकी प्राइस थी 8,800 रुपए और उस वक्त जो खुर्शीद का फैन है उसकी प्राइस पहुंच चुकी थी 10,000 रुपए। तो अभी हम चलते हैं, बातें भी चलती रहेंगी, छत पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमने कौन सी प्लेटें इंस्टॉल की हैं और थोड़ा सा आपको रिव्यू हम प्लेटों के मुतालिक देते हैं। ये हमारी दो प्लेटें हैं, B52 6 mm की वायर लगी है जो कि हमें मिली थी उस वक्त 2,800 रुपए की गज। तो इसको हमने देसी जुगाड़ के तरीके से लगाया है और इसका स्टैंड जो है ये वाला स्टैंड ये हमें मिला था 1,200 रुपए का। इसकी मैं आपको कंपनी दिखा देता हूँ, ये इसका कंपनी का स्टिकर है, ये इसके ऊपर सारी मालूमात लिखी हुई है, कितने एम्पेयर की है, कितने वोल्ट की है, ये इसका बार कोड है, ये इसका जंक्शन बॉक्स है। अगर हम एंगल की बात करें तो साउथ की जानिब 180 डिग्री पर हमने अपनी प्लेटों का एंगल रखा है जो कि एक म्यारी
और सबसे अच्छा एंगल है। आपने भी अपनी प्लेटों का यही एंगल रखना है ताकि धूप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा देर पड़े और आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके। इनको हमने पैरालल में लगाया है क्योंकि हमारे पास PWM चार्ज कंट्रोलर है। अभी हमारा इरादा है कि हम PWM चार्ज कंट्रोलर से MPPT चार्ज कंट्रोलर पर शिफ्ट हो जाएं। जब हम वो लगाएंगे तो फिर हम इनको सीरीज में लगा देंगे। ये हमारा रॉयल का फ़ैन है, इसको हमने यहाँ पे रूम में इंस्टॉल किया है और यहाँ पे हमने अपना PWM चार्ज कंट्रोलर लगाया है, साथ ही ये DC बोर्ड लगाया है। और अभी हम इसके एम्पियर चेक करते हैं तो हमारे पास एम्पियर आ रहे हैं 4.3। मौसम बहुत ख़राब है और धूप नहीं निकली हुई, तो मैं आपको मौसम भी दिखा दूंगा। ये हमारी बैटरी है फ्यूजिका की 155 AH यानी कि 155 एम्पियर और 23 प्लेट वाली हमारी ये बैटरी है। तो आप देख सकते हैं, अभी आप सोलर सिस्टम लगा लें क्योंकि रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं। हमारा तकरीबन 1 लाख के करीब करीब खर्चा पहुंच गया है, तो देर ना करें और अगर आप लगाना चाहते हैं तो जल्दी ही लगा लें।